So in this question, example number 9, the most important question of this exercise. Question says that find the zeros of this polynomial if two of the zeros are given. So this is the polynomial having power 4. So there are 4 zeros. But only 2 zeros are given and we have to find out remaining 2 zeros. To find out remaining 2 zeros, what we have to do, whatever the zeros are given to us, we'll have to use those. So x is equal to root 2 and x is equal to minus root 2. These two are the zeros given to us. So agar hum is root 2 ko idhar laye, to that will be x minus root 2 equal to 0 and x plus root 2 is equal to 0. This will happen. भाई रूट टू इधर आया तो माइनस हो गया बिकॉज देयर वाज प्लस और माइनस था तो प्लस हो गया. सो हियर वी कैन से दैट एक्स माइनस रूट टू एंड एक्स प्लस रूट टू आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल. इसका मतलब एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं. अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो इन दोनों का फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, हेंस एक्स माइनस रूट टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट टू इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी That is a square minus b square. So root 2 ka square will be 2. Is factor of polynomial. So x square minus 2 agar is polynomial ka factor hai. To iska matlab is polynomial ko x square minus 2 se divide kar sakte hain. So x square minus 2 then 2x raised to the power 4 minus 3x raised to the power 3 minus 3x raised to the power 2 plus 6x minus 2. So, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे. डिविजन आपको ऑलरेडी आता ही है. सबसे पहली वैल्यू यहां पे 2x की पावर 4. ये मैं रफ वर्क बता रहा हूं, रफ कैलकुलेशन अभी रफ कर दूंगा मैं. 2x की पावर 4 को मीन जो बड़ी वैल्यू है उसको इसकी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 2x का स्क्वायर. तो यहां पे फर्स्ट वैल्यू आएगी 2x का स्क्वायर. अब 2x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2x की पावर 4 माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर. अब ध्यान से देखो ये गलत नहीं हो गया. मैंने ऊपर देखा x क्यूब और उसके नीचे लिख दिया x स्क्वायर, ये तो गड़बड़ हो गया ना. ये x स्क्वायर को मुझे x स्क्वायर के नीचे तो लिखना चाहिए था, तो मैं ये यहां पे नहीं लिखूंगा, मैं इससे थोड़ा सा आगे लिखूंगा x स्क्वायर के नीचे. तो माइनस 4x स्क्वायर शुड बी देयर लाइक दिस. अभी मैं साइन चेंज करूंगा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो ये कैंसिल हो गया. बाकी नीचे मूव करेंगे माइनस 3x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. नॉर्मल डिवीजन जो हम करते आए हैं. अब यहां बड़ी वैल्यू है माइनस 3x क्यूब और उधर बड़ी वैल्यू है x स्क्वायर, तो डिवाइड करके आया माइनस 3x. तो यहां रिजल्ट आएगा माइनस 3x. अब माइनस 3x से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3x का क्यूब प्लस 6x, तो प्लस 6x में x के नीचे रखूंगा. जो ऊपर रीजन था वही यहां रीजन आएगा. अभी साइन चेंज तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. हमारे पास बचा x स्क्वायर और यहां हमारे पास बचा माइनस 2. अब नेक्स्ट ये जाएगा 1 पे. तो अभी ये रफ मैं यहां से हटा रहा हूं, देयर इज नो नीड ऑफ दैट. अब ये जाएगा 1 पे, तो 1 से करेंगे तो दैट विल बी x का स्क्वायर माइनस 2. नाउ साइन चेंज, रिमाइंडर आ गया 0. एंड दैट्स 100% श्योर कि रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए. द रीजन, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर है. अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगी करेगी और रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा. दिस इज द ओनली से दैट कि अगर वो फैक्टर होता है तो 0 आता ही आता है. रिमाइंडर विल बी 0 ऑलवेज इन केस वन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल. तो बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी हुआ, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट रिमेनिंग टू जीरोस. सो अगर अब हम यहां पे देखें, डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन का रिमाइंडर, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम. डिविडेंड मैंने यहां लिखा
इज इक्वल टू क्वेश्चन डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था जो गिवन था वो इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई दिस प्लस जीरो. अब प्लस जीरो है तो जीरो तो लिखो ना लिखो वन ऑफ द सेम थिंग. तो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमें ऑलरेडी पता है हम अप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर. अब माइनस थ्री को फैक्टराइज करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है दो पार्ट में डिवाइड करना है इसे तो वी कैन राइट माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन. लिख सकते हैं ना माइनस थ्री को माइनस टू और माइनस वन. तो नाउ वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस टू दिस इज टू एक्स. इन दोनों में से अगर मैं टू एक्स कॉमन लू अंदर बचेगा एक्स माइनस वन. यहां से मैं माइनस वन कॉमन लेता हूं अंदर बचेगा एक्स माइनस वन. इस पूरे में से मैं अगर एक्स माइनस वन कॉमन ले लू तो अंदर बचेगा टू एक्स माइनस वन. सो अभी फाइनली जो वो पॉलिनोमियल था ना वो इसके इक्वल आ गया. अब जो दो फैक्टर्स दे रखे थे हमें ऑलरेडी दो जीरोस दे रखे थे वो दो जीरोस इससे निकल रहे थे. और अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते थे. तो जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आती है वही जीरोस होती है. टू फाइंड आउट जीरोस पुट डिविडेंड इज इक्वल टू जीरो. या जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो रख दो. 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. और इसकी जगह हम यूज करेंगे ये जो हमने ऊपर निकाला दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम एक एक करके तीनों को 0 रखेंगे. एक बार इसे 0 एक बार इसे 0 और एक बार इसे 0. जब हमने यहां रखा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है. अब एक बार इसे रखेंगे x माइनस वन को जीरो रखा तो ये वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन. सो x इज इक्वल टू वन एक ये रीजन है. नेक्स्ट टू एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू एक ये रीजन आ गया. तो हमारे पास x की चार वैल्यूज आ गई जिसमें से दो पहले से गिनाई थी दो हमने अभी और निकाल दी. तो हेंस जीरोज आर रूट टू माइनस रूट टू वन एंड वन बाय टू. सो दीज आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट एग्जाम्पल ओनली एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3. सो इन दिस क्वेश्चन दिस पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस एंड टू जीरोज आर देयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट रिमेनिंग टू जीरोज. अगेन द सेम क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट थिंग एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3. देन इट विल बी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल. If these two are the factors of the polynomial, it means इनका multiplication भी उसका factor होगा. तो x minus under root of 5 by 3, x plus under root of 5 by 3 is factor of polynomial. अगर इन दोनों का multiplication इसका factor है तो it means we can write x square minus 5 by 3. Is factor of polynomial. इसका मतलब x square minus 5/3 भी उसका factor होगा. So इसके बाद हमने जैसे last question किया था x square minus 5/3 इससे divide करेंगे इस पूरी polynomial को. So x square minus 5/3 is the factor of this polynomial. तो divide करेंगे same last question की तरह. सबसे पहले अगर हम 3x की पावर 4 को डिवाइड करें x स्क्वायर से तो हमारे पास जो टर्म आता है वो 3x का स्क्वायर आता है. तो फर्स्टली विल राइट 3x स्क्वायर. तो दिस इज 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर. तो यहां लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर. साइन चेंज दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव कैंसिल रिमेनिंग इट विल बी 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5.
we are doing this question same as the previous one. So abhi yahan jo badi term hai wo hai 3x 6x cube, yahan jo badi term hai wo hai x square. So agar simplify karenge to 6x aayega, to we'll take 6x there. Abhi hum 6x se multiply karenge isme, to that will be 6x cube minus अब 5 by 3 minus 5 by 3 को multiply करेंगे 6x से, तो you'll say that 3 to the 6, तो minus 10x आएगा, so I'll write minus 10x. अब sign change करेंगे, this is minus, this is plus, ये cancel, ये भी cancel, बचेगा 3x square minus 5. अभी हमारा जाएगा 3, तो 3x square minus 5. साइन चेंज, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, रिमाइंडर हमारा आ गया जीरो. दिस इज हाउ वी विल डिवाइड दिस. तो मैं ये रफ कैलकुलेशन जो साइड में है इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से. सो दिस इज द वे हाउ वी विल डिवाइड दिस. डिवाइड हमारा हो चुका है, देन उसके बाद डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो वी कैन से दैट दिस 3x की पावर 4, इसको मैं px मेंशन कर लेता हूं, पॉलीनोमियल इज x square minus 5 by 3 multiply 3x square plus 6x plus 3 plus remainder, and the remainder is 0. No need to write the remainder. Now, इसमें से देखिए common आ रहा है 3, तो मैं 3 common ले लेता हूं, अंदर बचेगा x square minus 5 by 3 and this is x square plus 2x plus 1. Middle term splitting करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सो फैक्टराइजेशन विल बी x प्लस 1 एंड x प्लस 1. ये मेरा पॉलीनोमियल आ गया. अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों को जीरो रखेंगे, बट ये वाला पार्ट जो है अगर मैं जीरो रखूंगा, x की दो वैल्यूज जो आएंगी वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो मुझे मेनली नेक्स्ट टू वैल्यूज के लिए इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा. तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट दोनों सेम ही आ रहे हैं ना. तो x is equal to minus 1 यहां से आया, x equal to minus 1 यहां से आया, और x की दो ऑलरेडी जीरोस पहले से ही गिवन थे, that is 5 by 3 रूट में and x is equal to minus 5 by 3 रूट में. तो this one and this one, तो we have these four zeros. तो this is the way how we can find out the zeros of polynomial. If two of the zeros are given and the remaining two zeros we can find out this way. So in this question, question number 4th of NCERT, same exercise, exercise 2.3, on dividing this polynomial by another polynomial gx. ये जो polynomial है, इसको हम px ले लेते हैं. This is px, is x cube minus 3x square plus x plus 2. जिससे divide कर रहे हैं उसे gx ले लेते हैं. और the next remainder को हम rx ले लेते हैं. Remainder is x minus 2. और क्वेश्चन को हम मेंशन कर लेते हैं, द क्वेश्चन इज x माइनस 2, सो क्वेश्चन इज x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4. gx हमें नहीं पता. सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. पॉलीनोमियल px, डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, हमें नहीं पता डिवाइजर क्या है. क्वेश्चन वैल्यू ये रहा, हमें पता है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. रिमाइंडर वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज द रूल हमारा, डिवीजन एल्गोरिथम यही है, नाइन्थ में भी पढ़ा था. तो px माइनस rx, अगर मैं rx को इधर ले आऊं तो gx मल्टीप्लाई qx विल बी इक्वल टू दिस. अब ये px का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर रहा हूं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 minus rx, and the remainder value is also there, that is minus 2x plus 4 is equal to gx multiply qx, and qx is also given over there, that is x minus 2. Abhi agar main inko simplify karu, to x cube minus 3x square plus x plus 2 plus 2x minus 4, aur idhar jo x minus 2 multiply mein hai wo niche aake divide mein aa jayega, and that is equal to dx, gx sorry. So finally gx ka value aa gaya x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2. It means now we have to divide this numerator value with this denominator value, and whatever the result will there, that will be the value of gx.
सो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट, तो पहले हम डिविजन यूज करेंगे. मैं यहाँ राइट साइड पे करके दिखा रहा हूँ, एक्स माइनस टू, दिस इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. नॉर्मल डिविजन जो अभी तक किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, कैंसिल, एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. माइनस एक्स पे जाएगा, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. साइन चेंज, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, कैंसिल, यू विल गेट एक्स माइनस टू. देन प्लस वन पे जाएगा, एक्स माइनस टू, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, रिमाइंडर इज जीरो. दिस इज हाउ वी विल डिवाइड दैट. ऑलरेडी हम पहले पढ़ भी चुके हैं, सो मैंने इसलिए थोड़ा स्पीड से कर दिया है. नाउ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. हमें पता है ये, अब इस केस में ये जो है ये डिविडेंड है, डिवाइजर और ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर. तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस जीरो. और जीरो तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, द होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. अब आप चेक करो, न्यूमिनेटर पार्ट पे एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर पार्ट पे एक्स माइनस टू, कैंसिल हो जाएगा. तो जब x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट जी एक्स इन दिस क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 5. थ्री पार्ट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन. एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है. गिव एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देना है. गिव एग्जाम्पल of px, qx, gx and rx which satisfy the division algorithm. हमें अपनी तरफ से एक example बना के देना है कि किसी एक polynomial को किसी दूसरे polynomial से divide किया तो एक question आ रहा है और एक remainder आ रहा है. तो कुछ ऐसा example दो जिसमें degree of px and degree of qx same हो. px मतलब dividend, qx मतलब question. ऐसा example जिसमें question की degree और px मींस डिविडेंड की डिग्री सेम हो. ये डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलीनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री. अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो डिग्री 2 हो गई. लीनियर की बात करें तो लीनियर में x की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो डिग्री 1 हो गई. क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में हाईएस्ट पावर इज 3 तो डिग्री 3 हो गई. तो पूरी पॉलिनोमियल में जितने भी x हैं उन सभी x में जो सबसे बड़ी पावर है वो होती है डिग्री. तो हमें ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री px की और qx की सेम हो. तो पहली बात तो डिवीजन होता कैसे है? बीच में यहां पे होता है px, उसको हम डिवाइड करते हैं gx से. मींस यहां पे px जो है वो डिविडेंड है, gx जो है वो डिवाइजर है. जो रिजल्ट यहां होता है वो होता है कोशेंट वैल्यू, और जो नीचे निकल के आता है वो होता है रिमाइंडर वैल्यू. ये होता है पूरा सिनेरियो. अब अगर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली देखें, इस सिनेरियो में हमें ऐसा एग्जांपल लेना है कि इन दोनों की डिग्री सेम हो. तो अगर मैं किसी भी एक लीनियर को, क्वाड्रेटिक को किसी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करूं, मींस एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल से डिवाइड करूं, तो रिजल्ट वही आएगा जो पीएक्स का होगा. तो यह पक्का है कि मुझे जीएक्स में कॉन्स्टेंट लेना है. अब पीएक्स में मैं लीनियर ले सकता हूं, मैं क्वाड्रेटिक ले सकता हूं, मैं क्यूबिक ले सकता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल देना ना, हर बच्चे का एग्जाम्पल डिफरेंट होगा, हर बुक में आंसर अलग होगा, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंगली आंसर देगा, हर कोई ठीक होगा. तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना जो इसको सेटिस्फाई करे. तो देखते हैं अपने एग्जाम्पल अपनी तरफ से. जैसे यहां पर अगर मैं लू 2x प्लस 8, ये मैंने लिया एक लीनियर. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 से डिवाइड करें तो पहले मैं यहां पर x लिखूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 2x, तो ये माइनस हो गया, तो यहां आ गया रिमाइंडर 8. अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं डिग्री px की देखूं तो px की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि लीनियर है. डिग्री मतलब x की हायर पावर. और अगर मैं डिग्री देखूं क्वेश्चन वैल्यू की, क्वेश्चन क्वेश्चन मींस यहां जो लिखा हुआ, अब यहां जो रिजल्ट आ रहा है उसमें डिग्री क्या है, x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, वो भी 1 है. तो ये हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें डिग्री px की और डिग्री qx की 1 है. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि आवर एग्जांपल इज px इज 2x प्लस 8, gx इज 2, qx इज x, rx इज 8. तो दिस इज द कंप्लीट एग्जांपल ऑफ द एल्गोरिथम.